ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੱਲੇ ਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। दोस्तों ये दास्तां है एक ऐसी हुनरमंद अदाकारा की जो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो थी टॉप की अभिनेत्री बनने के लिए और उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के किरदार भी निभाए मगर वे सफलता हासिल नहीं कर सकी। लेकिन वे मायूस नहीं हुई और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने हुनर का लोहा मनवा कर ही रहेंगी। सरदार आपने प्यार की कुर्बानी नहीं देखी है। अगर श्याम यहाँ से गया तो ये कटार हमारे सीने में होगी। ये हुनरमंद और खूबसूरत अभिनेत्री हैं दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना शहर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। दिव्या जब 7 वर्ष की ही थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। दिव्या की मां नलिनी दत्ता जो एक सरकारी अफसर और एक डॉक्टर भी थी। नलिनी ने अकेले ही बेटी दिव्या और छोटे बेटे राहुल को पाल पोस कर बड़ा किया। नलिनी ने अपने दोनों बच्चों को अकेले ही बाप और माँ दोनों का प्यार दिया। दिव्या की पढ़ाई लिखाई सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना से हुई। दिव्या को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था इसलिए दिव्या अपने स्कूल व कॉलेजों के नाटकों और प्रोग्रामों में हमेशा भाग लिया करती थी। फिल्मों में आने से पहले दिव्या क्षेत्रीय टेलीविजन विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग किया करती थी। इसके बाद जैसे जैसे दिव्या बड़ी हुई उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और फिल्मों में काम पाने के लिए उनका संघर्ष शुरू हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली इश्क में जीना इश्क में मरना। यह फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। उनकी यह पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 1995 में उनकी दूसरी फिल्म आई सुरक्षा जिसमें दिव्या के अपोजिट थे सुनील शेट्टी। अरे कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें जरा सी भी शराफत हया गैरत नहीं है? एक मजबूर लड़की का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अनायाश भेड़ियों के जंगल में फेंकने ले जा रहे हो। उनकी यह दूसरी फिल्म भी फ्लॉप रही। साल 1995 में ही दिव्या ने सलमान खान की फिल्म वीर गति में काम किया मगर अफसोस उनकी यह तीसरी फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तेरी माँ जिंदगी भर अपने पति से दूर रही और तू उसके मौत से पहले उसकी आखिरी निशानी चुरा के ले जा रही है। तुम तो रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, फिर किस हक से मुझे थप्पड़ मारा? मुझे नहीं मालूम। इन सभी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद दिव्या को एहसास हुआ कि शायद दर्शक उन्हें लीड अभिनेत्री के रोल में पसंद नहीं कर पा रहे हैं। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा दिल में छुपा के ले जाते। इसलिए दिव्या ने एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू किया। इनकी वो फिल्में रही अग्नि साक्षी छोटे सरकार और राम और श्याम आदि। प्रॉब्लम आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। बहन हूँ तुम्हारी, अगर यूं ही मुलाकातें होती रही तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। फिल्मों में रोल छोटा हो या बड़ा दिव्या ने सभी रोल निभाए जैसे राजा की आएगी बारात, इसकी टोपी उसके सर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जब भी खूनी का पता चले आप मुझे पहचानने के लिए बुला लीजिएगा। लो थाने से लेकर यहाँ तक मैंने आपका दिल भलाया, आपका डर भगाया क्या इसी बात के लिए? सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया। हवा दिल तोड़ दिया आपने, क्या खूनी के मिलने पर ही हम लोग मिलेंगे? दिव्या ने जब मैन लीड अभिनेत्री वाली फिल्मों की आशा छोड़ दी थी तब ऊपर वाले ने उनकी झोली में एक फिल्म डाल दी, शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह। यह एक पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। साल 1999 में आई इस फिल्म में उनके साथ थे पंजाबी सिंगर और पंजाब की शान एक्टर गुरदास मान। यह फिल्म भारत के तकसीम के वक्त की कहानी बयां करती है। इसी फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर साल 2001 में एक फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा जो सुपर डुपर हिट हुई थी। खैर इस फिल्म की सफलता के बाद भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल सकी जैसी वो चाहती थी। इसके बाद भी उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे और सहायक अभिनेत्री के रोल ही मिलते रहे। समर, वीर जारा, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और अपने जैसी फिल्मों के साथ साथ दिव्या ने कई मशहूर टीवी सीरियलों में भी काम किया। साल 2001 में ये संगीत वीडियो रोमियो में भी नजर आई जिसे लंदन के संगीतकार बेसमेंट जैक्स ने बनाया था। दिव्या के निजी जीवन की तरफ रुक करें तो पता चलता है कि 46 साल की हो चुकी दिव्या ने आज तक शादी नहीं की है। वह
वाकई बदलते वक्त के सिनेमा में दिव्या ने वो किरदार निभाए जो उनके समय की अभिनेत्रियों के लिए निहायत ही चुनौतीपूर्ण माने जाएंगे। यकीनन जब भी भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा हरफनमौला अभिनेत्री का जिक्र होगा सबसे पहले दिव्या दत्ता का नाम ही लिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।